और मेरे सुरवीरों कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स जो कि आरएस अग्रवाल की बुक से है और हम उसका चैप्टर लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 8A। तो आज के चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे उसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता या क्वेश्चन आपकी बुक से डिफर होते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन आपकी बुक से डिफरेंट है, मैं उनका सोल्यूशन अलग से आपको वीडियो में बनाकर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 8x plus 3 is equals to 27 plus 2x। अगर हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। तो दो चीज़ें समझ लेते हैं पहले कि इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जिनमें कुछ लेटर्स लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स और जिनमें केवल नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स। एक कंडीशन ये बनती है कि कोई भी दो तरह के, अगर एक ही तरह के दो लोग हैं तो वो एक साथ रहेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं इक्वल के दोनों तरफ इधर एक्स है और इधर एक्स है, तो हम क्या करेंगे एक्स को एक्स के पास ले आएंगे और जो नंबर्स में है केवल उनको नंबर्स के पास लेके चले जाएंगे। यहाँ कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है कि अगर इक्वल की दूसरी तरफ हम लेके आएंगे तो ये जो हमारे साइंस होंगे ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और नंबर को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसके प्लेस पे तो ये भी प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, 8x 2x इधर आएगा तो प्लस में था तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू 27। अब ये 3 हम उधर लेके जाएंगे तो 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 8x माइनस 2x। ये बहुत से लोगों कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैंने अक्सर जब पढ़ाता था तो ये पता लोगों से पूछता था 8x प्लस 2x, तो बहुत से लड़के कन्फ्यूज हो जाते थे कि 10x स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं होगा। क्या होता है, हम इसको हम मान लेते हैं जो ये x है ये हम मान लेते हैं कि अगर हम इसको कह दें मैंगो, 8 मैंगो एंड 2 मैंगो तो कितने हो जाएंगे 10 मैंगो, 8 मैंगो माइनस 2 मैंगो तो 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 मैंगो, यानी ये x जो होता है ये स्क्वायर की कंडीशन में प्लस माइनस में नहीं होगा। तो 8x माइनस 2x होगा ये हो जाएगा 6x एंड 27 माइनस 3 करेंगे तो 27 माइनस 3 हो जाएगा 24। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं, देख लेते हैं 24 6 की टेबल में आता है कि नहीं, बिल्कुल सही आता है, 6 1 जा 6 6 4 जा 24 तो x इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर और इसका आंसर होगा 4। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन 5x plus 7 is equals to 2x minus 8। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2x को हम इधर लेके आएंगे x के पास तो ये हो जाएगा 5x, ये कोई सिंबल नहीं इसका मतलब प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 2x होगा, माइनस 8 यहीं रहने देते हैं और हम 7 को इधर लेके आते हैं तो ये प्लस 7 था तो ये हो जाएगा माइनस 7। क्लियर है, तो 5x minus 2x ये हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का 8 एंड 7 कितना हो जाएगा माइनस 15। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ये भी कंडीशन याद रखिए कि मल्टीप्लाई अगर इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 3। अब 15 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 5। तो ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर माइनस 5। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस z। यहाँ पर हम z को z के पास लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2z माइनस था इधर आएगा तो प्लस z इज इक्वल्स टू 14 था, माइनस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1। क्लियर है, माइनस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2z प्लस 1z हो जाएगा 3z, 14 प्लस 1 ये हो जाएगा 15। अब 3z का मल्टीप्लाई, हमको z की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा तो z इक्वल्स टू हो जाएगा 15 अपॉन 3 तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15 तो z इक्वल्स टू 5। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 5।
चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। 9x plus 5 is equals to 4 under bracket x minus 2 and plus 8। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा सा इसकी बनावट अलग है लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, 9x plus 5 is equals to 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x minus, माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, 4 टू जा 8 और ये हो गया प्लस 8। सबसे आसान चीज़ देखिए यहाँ पर कि अगर ये तो 9x plus 5 इधर वाला इक्वेशन तो सेम है, ये हो गया 4x, ये माइनस 8 ये प्लस 8 तो कितना हो जाएगा भाई, ए माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ख़त्म। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर एक ही चीज़ बची है 4x, तो हम इसको x के पास लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9x, 4x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 4x। अब ये 5 कहाँ लेके जाएं भाई, यहाँ तो कुछ बचा नहीं तो 5 इधर जाएगा, 4x इधर आ गया 5 इधर जा गया तो ये प्लस 5 था उधर गया तो ये माइनस 5 हो गया। अब 9 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो x इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 5 तो ये हो जाएगा 5 अंजा 5, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। आसान है, बहुत ही आसान है और बार बार मैं यही कह रहा हूं, केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए। और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 7y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 4। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इधर मल्टीप्लाई हो तो इक्वल की दूसरी तरफ क्या हो जाता है, डिवाइड, लेकिन अगर डिवाइड हो तो सेम उल्टा उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 7y और 5 इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 अंडर ब्रैकेट y माइनस 4। अब ये आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, 7y इज इक्वल्स टू 5 का y से मल्टीप्लाई 5y माइनस 5 का 4 से मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ पर हम y को y के पास लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7y, 5y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 20। 7 माइनस 5 हो गया 2y इज इक्वल्स टू माइनस 20, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 2, तो 2 अंजा 2, 2 टेंजा 20, यानी इसका आंसर होगा माइनस 10। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सेम वही कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का कि x को हम x के पास लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x, 2x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x, 1 तो इधर था ही, 2 अपॉन 3 उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो गया 2 अपॉन 3। अब 3 माइनस 2, 3x माइनस 2x हो जाएगा 1x और 1 कभी लिखा नहीं जाता तो वेरिएबल के पहले 1 नहीं लिखा जाएगा, इज इक्वल इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा तो 3 1 जा 3 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 हो गया 1 अपॉन 3, तो हमारे 6 क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 अपॉन 3। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, 15 इंटू अंडर ब्रेकेट वाई माइनस 4 माइनस 2 अंडर ब्रेकेट वाई माइनस 9 प्लस 5 अंडर ब्रेकेट वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं तो 15y का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15y माइनस 15 4 जा 60 माइनस 2 एंड y का मल्टीप्लाई 2y माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 9 जा 18 प्लस 5 का y से मल्टीप्लाई 5y प्लस 5 का 6 से मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे सारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, x को एक साथ रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 15y प्लस 5y माइनस 2y और हम नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं प्लस 18 प्लस 30 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये होता है कॉन्सेप्ट, इजी हो जाएगा आपका इक्वेशन अगर आप सबसे पहले प्लस वाले को रखेंगे फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। इसका क्या होता है कि 15 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 20y माइनस ये हो जाएगा 2y प्लस 18 एंड 30 8 3 एंड 1 4 48 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहां पर 20y माइनस 2y ये हो जाएगा 18y प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस, बड़े के आगे माइनस लिए माइनस लगेगा, 60 माइनस 48 तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 हो गया 2, 5 माइनस 4 हो गया 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम 12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 18y 12 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 12।
अब y इज इक्वल्स टू 12/18। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, देख लेते हैं ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, तो 6 की टेबल में 6 3 = 18, 6 2 = 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 2/3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 3 (5x-7) - 2 (9x-11) = 4 (8x-13) - 17। कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा 3 5 = 15x - 3 7 = 21 - 2 9 = 18x - 2 + 22 = 4 8 = 32x - 13 4 = 52 - 17। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले हम x वाले देख लेते हैं कि हमारा x क्या है। यहाँ पर हो गया ये 15x और ये -18x, तो प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होगा, बड़े नंबर के आगे माइनस लगा इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। 18 - 15 करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होगा, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 22 - 21 करेंगे तो हो जाएगा 1। ये सर आसान है, इक्वल्स टू ये हो गया 32x, माइनस माइनस प्लस होता है और सिंबल माइनस का लगता है, तो 7 and 2 हो जाएगा 9, 5 and 1 हो गया 6। अब हम x को x के पास लेके आते हैं और नंबर्स को नंबर के पास लेके जाते हैं, तो ये 32x है और 3x इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 32x + 3x। 1 तो इधर रुका ही है, 69 हम इधर लेके आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 69। अब यहाँ पर हो जाएगा 32 - 3 करेंगे, 32 - 3 हो जाएगा 29x और 69 + 1 हो गया 70, तो x = 70/29, यानी इसका आंसर हो जाएगा 70/29। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, x - 5/2 - x - 3/5 = 1/2। सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर तो नंबर्स हमको वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो हम 2 and 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 and 5 का एलसीएम क्या होगा? 10। 2 and 5 का एलसीएम 10, तो ये 2 5 = 10। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 = 10, तो x - 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -5 2 = 10, तो ये 2 हो गया, और x - 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, = 1/2। अब हम ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो गया 25, -2 का x से मल्टीप्लाई हो गया 2x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 2 3 = 6 = 10, इधर डिवाइड है तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के पास, तो हो जाएगा 10/2। क्लियर है इतना? यहाँ पर ये 10 की बात करें तो 10 इधर क्या है, डिवाइड है, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 × 10 हो जाएगा। अब 5x - 2x ये हो जाएगा 3x, माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 25 - 6 हो जाएगा 19 = 2 1 = 2 2 5 = 10, यानी यहाँ इक्वल्स में हो जाएगा 5। अब -19 को नंबर के पास लेके जाएंगे 5 के पास, तो ये हो जाएगा 5 - 19 उधर गया तो हो गया +19, तो 3x = 19 + 5 कितना हो जाएगा 24। अब x = ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड 24/3, 3 8 = 24 = 8, तो यानी इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, उसमें एक तरफ एलसीएम लेना था, यहाँ हमको दोनों तरफ से एलसीएम लेना है, तो यहाँ 4 and 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 3 = 12 और इसका मल्टीप्लाई होगा 3t - 2 से, -3 4 = 12 और इसका मल्टीप्लाई होगा 2t + 3 से, = यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 3, तो 3 तो ये 2 है ही है, माइनस इसका हो जाएगा 3 का टी से मल्टीप्लाई 3t, भाई अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 = 3, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 1 3 = 3, तो 3 का टी से मल्टीप्लाई। अब यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं,
ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, 3 3 जा 9 टी माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 टी माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 टी अपॉन 3। यहाँ सॉल्व करते हैं 9t माइनस 8t तो यानी 1t, 1 लिखा नहीं जाएगा, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का 12 एंड 6 हो गया 18 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब हम क्या करते हैं कि इसका इसका मल्टीप्लाई कर, यहाँ हो जाएगा सीजर मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से इसका 12 का इससे मल्टीप्लाई और 3 का इससे मल्टीप्लाई, तो 3 का t से मल्टीप्लाई हो गया 3t, 18 3 जा 54 इज इक्वल्स टू 12 2 जा 24 माइनस 12 3 जा 36t। अब यह आसान इक्वेशन टी को टी के पास लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3t और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 36t इज इक्वल्स टू, ये 24 है और 54 उधर जाएगा तो प्लस 54। अब देख लेते हैं 3t प्लस 36t तो ये हो जाएगा 39t इज इक्वल्स टू 24 प्लस 54 तो 4 4 हो गया 8, 5 एंड 2 हो गया 7 तो t इज इक्वल्स टू 78 अपॉन 39, 39 2 जा 78 तो t इज इक्वल्स टू 2 तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ गया?